सीआरटी मतलब कैथोड रे ट्यूब, जहाँ से हमने सीआरओ का डायग्राम देखा था, उसमें एक पार्ट होता है सीआरटी, जहाँ से इलेक्ट्रॉन बीम इमिट होती है, ठीक है, और वो सीआरओ की स्क्रीन में एक्सप्लाइट करती है। तो उसमें टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोकसिंग। तो बेसिकली इसमें क्या है, कोई भी इलेक्ट्रॉन गन से निकल कर स्क्रीन तक जब जाता है, उस समय क्या मैथमेटिकल इक्वेशंस फॉलो होते हैं, वो इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो एक दो तीन टॉपिक इसमें कवर होने वाले हैं। पहले इसमें डायग्राम बना लेते हैं।
यहाँ पे ध्यान से देखें तो वो कह रहा है एक कैथोड ग्रिड है जो इलेक्ट्रॉन इमिट करता है, जहाँ से भी इलेक्ट्रॉन इमिट हो रही है लाइट है या बल्ब है वहाँ से लाइट इमिट हो रही है। इसी तरह से कैथोड ग्रिड से जब भी इसको हीट करेंगे तो नेचुरली उससे क्या निकलेंगे इलेक्ट्रॉन। तो जो भी चीज नेचुरली निकल रही है वो स्प्रेड होती है, इससे स्प्रेड होती है। जैसे लाइट है जब वो नेचुरली निकलती है तो फैलती है ना। फिर जैसे हम टार्च देखते हैं तो अगर टार्च में उसके वो हटा दिए जाए अरेंजमेंट तो प्रॉपर फोकस नहीं करेगा, उसकी लाइट सारा तो स्कैटर्ड हो जाएगा। इससे नेचुरली जब कैथोड ग्रिड से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं तो फोकस नहीं निकलते, वो फैल जाते हैं मतलब इधर उधर निकलते हैं। ठीक है, तो हमको लेकिन क्या चाहिए, कोई भी इलेक्ट्रॉन वो पॉइंट फॉर्म में से एक जगह चाहिए, स्पीड में हमको एक पॉइंट फॉर्म में इलेक्ट्रॉन चाहिए। या जैसे हम देखते हैं लेजर होता है तो जो भी लाइट निकल रही है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पड़नी चाहिए, तब तो हम कुछ बना सकते हैं, कोई स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं। मान लीजिए हम लेजर से किसी का नाम लिखना चाहते हैं तो जैसे हम उसको गाइड करें वैसे वो मूव करेगा, अगर नेचुरली मूव करेगी तो लाइट स्कैटर हो जाएगी अपने हिसाब से, हम उससे कुछ भी मीनिंगफुल चीज नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे भी ये हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन ग्रिड से निकलता है तो नेचुरली कैसे निकलता है, स्कैटर हो जाता है ना। अगर वो ऐसे ही जाएगा तो पूरे उसमें बस ऐसा होगा कि एक स्क्रीन है उसके ऊपर लाइट जल रही ऐसा दिखेगा, कोई आप उसमें कुछ भी ड्रॉ नहीं कर सकते। तो इसलिए हमको क्या करना पड़ता है, उसको प्रॉपर स्क्रीन में हमको फोकस करना पड़ता है किसी भी पॉइंट पे। उसके लिए हम इलेक्ट्रो फोकसिंग टेक्निक यूज करते हैं। ठीक है, ये लेंस की जैसी है, जैसे लाइट के लिए लेंस वगैरह यूज किया जाता है फोकस बनाने के लिए, तो यहाँ पे हम उसकी जगह एनोड यूज करते हैं, तीन एनोड यूज करते हैं जिनके नाम है प्री एक्सीलरेटिंग एनोड, फोकसिंग एनोड और एक्सीलरेटिंग। इन दोनों का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन को एक्सीलरेट करना आगे ले जाना और फोकसिंग एनोड का काम है उसको फोकस सेट करना। ठीक, अब ये दो जो एनोड है ये फिक्स वोल्टेज पे रहते हैं। ठीक है, इनका वोल्टेज क्या होता है फिक्स, ये आपको कनेक्टिविटी दिख रही है डायरेक्ट हाई सप्लाई से कनेक्ट रहते हैं, ये थोड़ा ज्यादा सप्लाई मतलब हमको जैसा भी रखना है रख सकते हैं एक्सेलरेशन के हिसाब से जितना हमको एक्सेलरेशन चाहिए। ठीक है, बीच वाला जो आपका फोकसिंग एनोड है इसको हम वेरिएबल वोल्टेज पे रखते हैं क्योंकि हमने को फोकस सेट करना है, मतलब नहीं हो रहा है तो इसको सेट करना है फोकस, इसलिए हम उसको रखते हैं वेरिएबल। सर वो कैथोड ग्रिड जो है वो इलेक्ट्रॉन को ऐसे लाइट के फॉर्म में इमिट कैसे कर रहा है, लाइट नहीं इलेक्ट्रॉन ही इमिट करता है। लाइट का मैंने एग्जांपल दिया कि जैसे लाइट है तो नेचुरली जो लाइट की जो होती है कैसे इमिट होती है स्कैटर्ड फॉर्म में। इसी तरह जब हम कैथोड ग्रिड को हीट प्रोवाइड करते हैं तो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, फोकस इलेक्ट्रॉन नहीं निकलते, वो एकदम लाइट की तरह फैल जाते हैं, लाइट नहीं आते। मैंने लाइट का एग्जांपल समझने के लिए दिया कि जैसे लाइट है अगर आप उसे फोकस नहीं करेंगे तो फैल जाता है चारों तरफ, उसी तरह इलेक्ट्रॉन्स जब नेचुरली निकलते हैं तो चारों तरफ फैल जाते हैं, लेकिन हमको क्या करना है उसको स्क्रीन पे फोकस कराना है, इसलिए हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोकसिंग अरेंजमेंट यूज करते हैं। सर वो बीच में कंडक्टर लगा हुआ है वो जो लेंस टाइप का, वो प्लेट्स लगी हुई है कंडक्टिंग प्लेट्स है हाँ, उसमें उसके हेल्प से हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं जिससे वो उसके जो भी मोमेंट को है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं फोकस कर सकते हैं, मतलब हम जहाँ जाए वहाँ पर लेंस में लेंस की तरह जैसे लाइट के लिए लेंस को यहाँ हम लेंस को लगाएंगे इलेक्ट्रॉन तो हमें तो अरेंजमेंट बनाते हैं तो इलेक्ट्रॉन मीडियम साइज का फ्लो होने का कोई टेंशन नहीं।
ट्रांजिस्टर आया तो उसमें क्या होगा, एक वैक्यूम अब इसमें
उसमें इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है, एक तो इलेक्ट्रॉन ट्यूब के अंदर फ्लो हो रहा है, यहाँ भी ट्यूब है, यहाँ भी ट्यूब है, यहाँ भी ट्यूब है, सिलेंडर का ट्यूब टाइप से है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है। इसमें दो केस लेंगे, एक जब इलेक्ट्रॉन सिलेंडर के अंदर रहेगा तो क्या होगा, और दूसरा हम देख रहे हैं कि सिलेंडर को क्रॉस भी कर रहा है, ठीक है। हम दो केस लेंगे, एक बार इलेक्ट्रॉन जब सिलेंडर के अंदर रहेगा और दूसरी बार जब सिलेंडर को क्रॉस कर रहा है, जब वो सिलेंडर के अंदर है तो इस समय क्या होगा, एक दो प्लेट ले ली हमने ए और बी, ठीक है। इस प्लेट पे हमने वॉल्यूम अप्लाई कर दिया, से कनेक्ट कर रहा है तो एक हायर पोटेंशियल पे होगा। वो केस वन एक बार और ये हमारा पूरा सीआरपी ट्यूब है, अब इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रैवल करेगा तो दो कंडीशन बनेगी, या तो वो ट्यूब के अंदर रहेगा है ना, या फिर ट्यूब को क्रॉस करेगा। इसमें हम तीन ट्यूब यूज कर रहे हैं, मतलब तीन ट्यूब है तो वो एक ही, लेकिन चूंकि उनका पोटेंशियल अलग अलग है ना, उनकी कंट्रोलिंग अलग अलग है, इसलिए वो क्रॉसिंग भी होगी बीच में। सर किस ट्यूब में रहेगा, किस में क्रॉस करेगा? हमारे पास टोटल तीन ट्यूब दिख रही हैं, है ना, कंडीशन होगी एक समय वो ट्यूब में रहेगा, किसी भी ट्यूब में रह सकता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी भी ट्यूब में इलेक्ट्रॉन रह सकता है। और दूसरा केस क्या होगा, जब वो एक ट्यूब से दूसरे ट्यूब को क्रॉस करेगा, ठीक है। तो हम एक केस देख रहे हैं कि जब वो ट्यूब में रहेगा तो क्या होगा, ठीक है, और एक केस देखेंगे कि जब ट्यूब को क्रॉस करेगा तो क्या होगा, ठीक है। पहला केस हम ले रहे हैं, जब ट्यूब में एंटर करेगी, ये ट्यूब है मान लेते हैं, ये ट्यूब है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रहेगा तो उसमें क्या होगा, क्या क्या चीजें अप्लाई होंगी, तो हम देखते हैं कि उसमें दो प्लेट के लिए हमने प्लस और माइनस, उनके बीच से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो जो ये प्लेट्स हैं जिसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड चल रही होगी, प्रजापति कौन है, प्रियंका मैम ने सब लोगों ने बोला उसका हाथ टूटा है,
फिर से टूट गया सच में अच्छा कौन थी बस ये लास्ट हां अब इसके बाद में वो कोई भी ये फील सब फ्री है कराना पड़ेगा सबसे पहले हमने एरिया प्लस ही माइनस ही किसके कारण ग्रेविटेशनल फोर्स तो क्योंकि हम न्यूट्रल हैं तो ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है ठीक है लेकिन अगर हम अब इसके अपोजिट होते हैं तो इसमें हमारा चार्ज होगा चार्ज दो तरह के होते हैं एक प्लस और एक माइनस तो फील्ड जो है प्लस से माइनस की तरफ प्लस से माइनस की तरफ माइनस ठीक है अगर कोई प्लस चार्ज आता तो प्लस वाला उसको रिफ्लेक्ट करता और माइनस वाला उसको अट्रैक्ट करता इसका मतलब वो फील्ड की डायरेक्शन में चला जाता मतलब आप मेरे फॉलोवर हैं अगर मैं जाऊंगा तो आप भी चल रहे हैं तो मतलब फील्ड को आप फॉलो कर रहे हैं और अगर मेरे फॉलोवर नहीं है अपोजिट इधर जाएंगे इसी तरह इलेक्ट्रॉन है फील्ड का फॉलोवर नहीं है नेगेटिवली चार्ज पॉजिटिव लोग कौन होते हैं जो साथ में चलते हैं नेगेटिव लोग कौन होते हैं जो उल्टा चलते हैं होते हैं क्या करते हैं तो इसी तरह से कौन क्या है नेगेटिव आदमी उल्टा ही चलेगा है ना इलेक्ट्रॉन ही जाल समाज में दोनों तरह के लोग पाए जाते हैं इसकी नहीं इसकी लेता नहीं तो कभी लेता नहीं तो कम ये होना चाहिए आपको क्लियर हो गया
one thing, if you go down to Pushpa. Applied between them as shown in figure so this case mein Thank you.
यहाँ पे लिखा है, ये लिख नहीं रहा। और चूंकि ये प्लस है लिखने लगा था मैं, देख ये माइनस है तो इनके बीच में भी एक होगी। ऐसे बोला तो कॉपी चेक करूँगा की नहीं थी आके, ऐसे बोला तो कॉपी चेक करूँगा की नहीं थी आके। ये डायग्राम समझना है, जो लाइंस हैं बाहर थोड़ी सी नहीं डालेगी क्रॉसिंग्स पे, ठीक है, ठीक है, अलग अलग है। एक मान लीजिए ज्यादा पे होगा तो उसका अलग फील्ड होगा, ठीक, इधर वाला कम फील्ड होगा तो इक्विपोटेंशियल फील्ड लाइंस उसको बोल देंगे। सर इस फिगर से कौन से कौन से सिलेंडर की बात हो रही है? ये बीच से जो भी कनेक्ट हो रहा है, ये सिलेंडर इससे कनेक्ट हो रहा है या ये सिलेंडर दोनों, कोई सा भी है ये अब जो अभी तक ये समझते हैं कि डायग्राम कैसे आया। तो एक की फील्ड्स जो बाहर इससे थोड़ा इधर को जाएंगी, सीधी लाइन नहीं रहेंगी, जैसा कि हम लोग उसमें देखा था, जैसे तो बाहर जा रहे हैं लाइन जो है टेढ़ी मेढ़ी हो रही, जब एक सिलेंडर दूसरे सिलेंडर से कनेक्ट करेंगे तो वहाँ पर थोड़ी सी उसकी फील्ड डिस्टर्ब हो जाएगी। ये लाइन्स जो है किसको रिप्रेजेंट कर रही है, इक्विपोटेंशियल लाइन्स सेपरेट कर रहे हैं हम इसको। और ये जो बीच में डैश डैश दिख रहा है, चूंकि प्लस है और ये माइनस है, इनके बीच में फील्ड क्रिएट होगा, तो इस तरीके से लाइन दिखे, ठीक है। तो एक्चुअल में यही अरेंजमेंट फोकसिंग लेंस की तरह काम करता है, डिफ्लेक्शन एंगल, वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग द डिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम व्हेन इट पासेस टू द कर्व्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस, we are interested in calculating the deflection angle of electron beam when it passes through the curved equipotential surface। इसमें क्या है, एनालिसिस पर्पस है, एक थोड़ी भी बात ले लेंगे, क्योंकि हमको ये क्लियर हो गया कि जब भी इलेक्ट्रॉन दो सिलेंडर को क्रॉस करेगा तो उसके बीच एक सीधी लाइन को पहली नहीं उसमें इंटरग्रल पाथ मिलेगा, तो हम कंपेयर करने से आई बात सोल की एक पॉइंट का पाथ ले लेते हैं जिसके इधर नेगेटिव पोटेंशियल है और उधर पॉजिटिव पोटेंशियल, और एक नॉर्मल
मुझे फर्क नहीं पड़ता। कोई इलेक्ट्रॉन ए से Yes, yes. बाढ़ आ जाए सर, बाढ़ सर, बाढ़ आ जाए, बाढ़ रिफ्रैक्टेड बीम होगा। हाँ, रिफ्रैक्टेड है, रिफ्रैक्टेड है।
स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है सर, यहाँ तक किसी को डाउट हो सर, एक बार और मैं चलो आप ही करता हूँ। माय हो गया पॉजिटिव और नीचे ग्राउंड कर रहा है तो नेगेटिव हो गया, तो उसके बीच में फील्ड क्रिएट हो रहा है।
ठीक है, और फील्ड के बीच में इक्विपोटेंशियल लाइन है, तो उसके बीच में अगर एक इलेक्ट्रॉन दे दे रहे हैं, मतलब एक इलेक्ट्रॉन ये इमिट कर रहा है, तो वो इलेक्ट्रॉन में एक फोर्स लग रहा है, ठीक है, जो अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है, इसीलिए वो नेगेटिव है, ठीक है, एफ इज इक्वल टू ई इंटू कैपिटल ए, ठीक है। अब जो सेकेंड केस है उसमें क्या है कि दो कोसेंट्रिक सिलेंडर है, ठीक है, कोसेंट्रिक सिलेंडर के बीच में जो इलेक्ट्रॉन की प्रोपेगेशन होगा इलेक्ट्रॉन का, उसके बारे में उसको देख रहे हैं, ठीक है, तो उसमें क्लियर? यस सर।